आज मैं आपके लिए ये डिजाइन लेकर आई हूँ। ये मेरा डबल बॉर्डर डिजाइन है, आप देख सकते हैं नीचे से ये डबल बॉर्डर है। आप सभी इसको बहुत बनाना चाहते हैं, लेकिन इसमें जो परेशानी आती है बनाने में, उसकी वजह से हम इसको नहीं बना पाते हैं। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जो बहुत ही आसान है, और आप इसको बार बार और हर बार इसी को बनाना चाहेंगी। ये मैं बहुत अच्छे से आपको बताऊंगी आज। इसको एक ही ऊन से और एक ही सिलाई के द्वारा कैसे बनाते हैं। आमतौर पर हमें क्या होता है, कुछ सिलाइयाँ बुनने के बाद फंदे निकालने हैं, निकाल करके उसको डबल किया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज मैं इसको बहुत आसान तरीके से, बहुत इजी वे में आपको इसका बनाना बताऊंगी। चलिए, इसके लिए मैंने ये मोटा ऊन लिया है, जिससे आप स्पष्ट समझ सके, देख सके, और 10 नंबर की मैंने सिलाइयाँ ली हैं। इसको बनाने के लिए देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आप कितने फंदे रखना चाहती हैं। अगर आप फंदे 100, 50 या 60 रखना चाहती हैं, तो लगभग 1-1.5 मीटर ऊन हमें इस तरह से ले लेनी है। लेने के बाद 1-1.5 मीटर ऊन लेने के बाद इस तरह यहाँ पर हमें पकड़ लेना है। देखिए, ये साइड मेरी साइड वाली है ये, और ये जो साइड है मेरी, ये ऊन वाली है। अब हम इसको देखिए इस तरह से लपेट लेते हैं। बस ये हमने लपेट लिया। लपेटने के बाद देखिए, ये हमें इस तरह से रखना है। ये जो हमारी गुल्ले वाली साइड है ऊन की, वो हमें इस तरह से लेनी है ऊन में, उंगली में। और जो हमारी ये देखिए, इस जो छोटा धागा लिया हमने 1-1.5 मीटर का, वो हमें अंगूठे की साइड रखना है। देखिए इस तरह से, और इन ऊनों को हमें यहाँ पर इन उंगलियों में इस प्रकार दबा लेना है। देखिए इस तरह, इस तरह। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमने इस तरह से फंदे, देखिए सिलाई फांसी हुई है। अब मैं इस सिलाई को इसके नीचे से निकालते हुए, देखिए ये, अब मैं इस ऊन के नीचे से निकालूंगी ये, और इस वाले धागे को अपनी तरफ लेके आऊंगी। फिर मैं इधर वाले ऊन के नीचे से इसको निकालूंगी, और ये देखिए ले जाऊंगी। इसी प्रकार हम कंटिन्यू करते रहेंगे। ये हमारा धागा टाइट रहना चाहिए। देखिए इस प्रकार, आप इसको चाहो तो इस तरह उंगली में भी लपेट सकती हो, ताकि ये हम आसानी से पकड़ सके। देखिए हमें जितने फंदे चाहिए हम उतने फंदे ले लेंगे। देखिए मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ हमें कैसे करना है। देखिए, ये जो हमारी साइड वाली ऊन है, ये हमने इस तरह ली, और यहाँ पर हम इस ऊन को इस तरह घुमा लेंगे, और इसके अंदर से सिलाई। ये जो हमारी गुल्ले वाली साइड है, उस ऊन को हम थोड़ा सा उंगली पे लपेट लेंगे इस तरह। इसको हम इसलिए कर रहे हैं ताकि इस ऊन को हम अच्छे से पकड़ सकें। इस तरह हमारा ये हाथ फ्री हो जाएगा। देखिए इस सिलाई को मैं इस ऊन के नीचे से निकालूंगी, और इस ऊन को इधर से ले जाऊंगी। अब मैं इस धागे के नीचे से निकालते हुए इस प्रकार लाऊंगी। देखिए आपको जितने फंदे चाहिए आप बना लें।
जब हमें लगे कि हमें पूरे फंदे मिल गए हैं, हमें अब फंदे नहीं डालने हैं, तो हम यहाँ पर एक नोट लगा देंगे। इसी ऊन से, देखिए इसी ऊन से मैंने छोटा सा नोट लगा दिया ये। अब हमें इसको बुनना है। देखिए आपको दिख रहा होगा ये इस प्रकार का जो फंदा है ये हमें सीधा बुनना है। हम इसको सीधा बुनेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे। देखिए जिस धागे के यहाँ पर ये धागा इस तरह का है, जो हमें ये ऐसे उल्टा जैसे बुना हुआ लगे, तो हम इसको बिना बुना सिलाई में ले लेंगे। फिर धागा पीछे ले जाने के बाद देखिए मैं इस फंदे बताती हूँ, जो फंदा हमारा इस प्रकार का हो वो हमें सीधा बुनना है। इसको हम सीधा बुनेंगे। ऊन अपनी तरफ करेंगे। इस फंदे को हम बिना बुना ले लेंगे, ऊन पीछे। अगला फंदा हम सीधा बुनेंगे, ऊन अपनी तरफ। फिर एक फंदा बिना बुना, ऊन पीछे ले जाएंगे। और फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, ऊन अपनी तरफ। एक फंदा बिना बुना, ऊन पीछे। और एक फंदा सीधा। इसी प्रकार हम कंटिन्यू बुनते चले जाएंगे। देखिए हमारी पहली रो हो गई। अब जो हमने फंदा, देखिए ये फंदा हमारा इधर से सीधा है और ये हमने पहली बार बुना भी नहीं था, तो हम इस बार इसको बुनेंगे सीधा। धागा अपनी तरफ। जो फंदा हमने पहली सिलाई में बुना था वो हमारा इधर से उल्टा आएगा, उसको इस सिलाई में उतार लेंगे, ऊन पीछे ले जाएंगे। इसी प्रकार हम सारी सिलाई करेंगे। देखिए इस प्रकार की हमें 4 या 6 सिलाइयां करनी है। मेरा डबल बॉर्डर बनने लगा बहुत आसान तरीके से। ना इसमें उधेड़ने का झंझट, ना ही दूसरे कलर के धागे का झंझट। आप इसे बहुत आसान तरीके से बना सकती हैं।
और ये एकदम बन भी जाता है। देखिए ये हमारा डबल बॉर्डर बनने लगा। देखिए मैं इसमें दो सिलाई और कर लेती हूँ। हमें पहली सिलाई में ध्यान रखना है कि हमें कौन सा फंदा सीधा बुनना है और कौन सा फंदा हमें उल्टा बुनना है। फिर उसी प्रकार हम ऊपर को भी इसी पर बुनते रहेंगे, सीधे फंदे को सीधा और उल्टे को उल्टा। देखिए मेरी 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। 6 सिलाइयाँ कंप्लीट करने के बाद या 4 सिलाइयाँ कंप्लीट करने के बाद हम बॉर्डर बनाएंगे। देखिए आप देख सकती हैं बहुत फूला फूला लग रहा है। ये हमने बिना सुई धागे की या फंदा उधेड़े बिना निकाले बिना हमने ये डबल बॉर्डर बना के तैयार कर लिया है। ये बहुत आसान है, बस इसमें हमें फंदे कैसे डालने हैं और पहली सिलाई हमें किस प्रकार बुननी है वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो प्लीज उसमें ध्यान रखें। देखिए और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।